मैं उस वेले जिस समय मैं आया था यहाँ पर उस वे आधा किलो छोले ले के आता था 20 साल पहले और इसी जगह पे लगाते हो ना। मैं पहले 22 में होता था, पहले सेक्टर 22 में भाई होता था, 22 में 23 में आ गया। अब लॉब रोम करके और कम हो गए, आगे से बहुत ज़्यादा था काम, अब कम हो गया, लॉकडाउन से कम हो गया। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे चार बजे उठ के तैयार करता हूँ, कल लेकर मैं बीमार है, उसको कैंसर है, उसको कैंसर की मरीज है वो। बच्चे करे तभी बढ़ाऊ, जो कोई किसी ने पीछे करना नहीं, जब तक है उस बात पता है। पहले माहौल था भी लोग खाते थे, अब लोग शक करते हैं, व्यायाम करते हैं, वही गाहक मेरे पास आता है जो जन्म स्थान है मेरा गाहक, जिसको पहले खाए हुए हैं उनको पता भी साफ सुथरा माल हो तब भी आते मेरे पास, वैसे कोई नहीं आता। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल #BeAwesome। और आज हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 23 इनर मार्केट में। तो हम लोगों को पता लगा था कि यहाँ पे एक अंकल हैं जो पिछले 20 साल से छोले कुलचे लगाते हैं, और यहाँ पे जैसे ही वो आते हैं उनके आने से पहले ही लोग वेट कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे और कब लोग छोले कुलचे ट्राई कर पाएंगे। तो ऐसी जगह को बी ऑसम वाले कैसे छोड़ सकते हैं, तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। और अभी हम अंकल से कुछ बातें करेंगे और फिर आपको छोले कुलचे ट्राई करके बताएंगे कि वो कैसे हैं। लेकिन पूरी वीडियो देखने से पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना और चैनल को शेयर भी करना, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर मोर वीडियोज। सो लेट्स गो, लेट्स टॉक टू हिम। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था अमृतसर की स्पेशलिटी, उनका पिज्जा कुलचा कहते हैं जिसको। तो अंकल ने हमें रेडी करके दिया, देखने में तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है, और अंकल ने बोला है कि स्वाद ना आए तो पेमेंट मत करना, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा होगा, तो लेट्स ट्राई इट आउट। मैंने ऐसे चने नहीं खाए। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। चटपटा, मसालेदार, घर का बना हुआ अमेजिंग चने और अमेजिंग कुलचे। चने का जो स्वाद है ना, वो खिल के बाहर आ रहा है। मतलब कहते हो ना, जिस खाने को खा के आपको पेट को और आपकी जबान खुश हो जाए, वैसा है। और जैसे कि बींग अ पंजाबी, मुझे स्पाइसी फूड खाना बहुत पसंद है, और ये बिल्कुल ही बैलेंस है फ्लेवर्स का इसके अंदर। और ऊपर से ये जो अचार डालते हैं ना, मिर्ची का अचार और ये गाजर का अचार, आय हाय हाय हाय, क्या बात है यार इसके स्वाद की। देखो, मेरे जैसे बंदे के लिए पूरा खाना डिफिकल्ट है, बट हाँ, अगर आपको भूख लगी हो तो आप ये पूरा आराम से खा सकते हो। और इसकी कॉस्ट क्या है यार, सिर्फ 50 रुपीज़। मतलब इतने अमेजिंग खाने के। और यही चीज़ अगर हम किसी होटल में जाके खाते तो वहाँ पे हम लोगों को इसके 350 से लेके 400 तक पे करना पड़ता। ऐसी क्वालिटी, घर का टेस्ट, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और 30 ईयर्स से जो ये चीज़ बना रहे हैं, आज तक लोग यहाँ पर फ़ोन कर करके आते हैं कि मतलब जाना है तो अंकल के पास जाके उनके छोले कुलचे या चना चावल ट्राई करके आने हैं। अब ये आप जब खुद ही ट्राई करोगे तभी आपको पता लगेगा कि मैं कितना सच बोल रही हूँ, बट आई डू गिव दिस प्लेस 100 out of 100 दिस टाइम। सो अगर आप लोग ट्राई सिटी में हो तो सेक्टर 23 इनर मार्केट में आना और अंकल के पास आके ट्राई ज़रूर करके जाना। तो अंकल यहाँ पे होते हैं 11:30 से लेके 4 बजे तक, तो ज़रूर आना और ट्राई करके हमें भी बताना कि आपको ये जगह कैसी लगी। नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय माई एंटायर मील, तब तक आप पूरी वीडियो एंजॉय करो। 20 साल से आप लगा रहे हैं? हाँ जी, 20 साल हो गए जी, बिल्कुल काम करते हैं जी। तो मतलब कि कब शुरू किया और कैसे शुरू किया, कहाँ से आए, मतलब आप चंडीगढ़ से ही हैं कि? मैं चंडीगढ़ से ही हूँ। मैं उस वेले जिस समय मैं आया था यहाँ पर उस वे आधा किलो छोले लेके आता था,
20 साल पहले और इसी जगह पे लगाते हो? ना मैं पहले 22 में होता था, पहले सेक्टर 22 में होता था, 22 में अब 23 में आ गया। अच्छा, तो पहले आधा किलो से शुरू किया? आधा किलो शुरू किया थे, अब लॉकडाउन करके और कम हो गए, आगे बहुत ज़्यादा था काम, अब कम हो गया। लॉकडाउन से कम हो गया? कम हो गया। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। सुबह 4 बजे? हाँ, 4 बजे उठ के तैयार करता हूँ। कल करता हूँ, मैं बीमार है, उसको कैंसर है, उसको कैंसर की मरीज है वो। तो इसमें से एक्सपेंसेस निकल जाते हैं घर के और उनकी दवाई के? निकालने पड़ते हैं जी, क्या करिए, करने निकालने पड़ते हैं, ना निकालने के तो गुजारा नहीं है। अब बेटा चलो तो बेटा कमाता है, उसके साथ और सही हो जाता है। तो 20 साल से अंकल आप मतलब इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो कभी कोई ऐसी मौका नहीं मिला कि इसको थोड़ा और बड़े लेवल पे किया जाए? सोचा था बच्चे ने करना नहीं, मैंने बड़ा के क्या करना, बच्चे करे तभी बढ़ाओ, जो कोई किसी से पीछे करना नहीं, जब तक है उसके बाद भी पता है। तो कौन से सेक्टर में रहते हैं आप? 41 बरेड़ी। 41 में रहते हैं? 41 पिंड बरेड़ी है जी। जी, पहले ठीक था, अब माहौल गलत है। पहले कैसा था? पहले माहौल था भी लोग खाते थे, अब लोग अब शक करते हैं, बहम करते हैं, वही गाहक मेरे पास आता है जो जन्म स्थान है मेरा गाहक, जिसको पहले खाए हुए हैं उनको पता भी साफ सुथरा माल हो तब भी आते हैं मेरे पास, वैसे कोई नहीं आता। तो लॉकडाउन में फिर किस तरीके से घर का खर्चा कर रहे थे? ऐसे ही बस, लड़का नौकरी करता था उससे खर्चा होता था हमारा, जो बैंक वो लगा हुआ है, बैंक में लगा हुआ है। अंकल वैसे आज की जैसे पॉपुलेशन की हम लोग अगर बात करें ना, तो हम लोग होते हैं कि एक जॉब कर रहे हैं ना, तो रोज़ रोज़ सुबह उठ के वहाँ पे काम पे जाना हम लोग वैसे ही थक जाते हैं, कि कहते हैं कि कौन करेगा, कौन उठेगा, कौन जाएगा। आपको 20 साल हो गए हैं, क्या एक वो जो एक मोटिवेशन होती है, क्या मेरी आदत पड़ी हुई है, मतलब सुबह उठना आपको कभी वो तंग नहीं करता? ना ना ना, अब एक छुट्टी में मार लेता हूँ आराम करने के लिए, वो छुट्टी भी मिले हुए टाइम में 4 बजे उठना पड़ता है, तो उसके बाद आँख नहीं लगती, आदत पड़ गई। अंकल अभी मतलब स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यहाँ चंडीगढ़ में एक नया रूल निकाला गया था कि आप वहाँ पे नहीं लगा सकते हो अपना मतलब कि स्टॉल्स या वेंडिंग शॉप्स, तो मतलब कि कुछ समस्या आई, आपको भी बोला गया था कि यहाँ से हटाइए? नहीं, यहाँ से हटाइए, हम वहीं लगाए थे, हमारे को जगह मिली थी। हाँ हाँ, तो वहाँ पर काम नहीं चलता हमारा। कौन से सेक्टर में आपको? मेरे को यही 23 में ही मिला था जगह, बट वहाँ पर काम नहीं है। वहाँ काम नहीं है उस अड्डे में, क्यों ग्राहक वहाँ पहुँचता ही नहीं है, जहाँ हमारा काम है वहाँ ही ग्राहक पहुँच रहा है। अब थोड़े दिन हो गए रोटी खा रहे हैं, तो बहुत बुरा हाल था हमारा उस वजह से। और 2-3 घंटे के लिए तो इतना कोई, अब यहाँ पे कोई ट्रैफिक भी नहीं है, कोई गंदगी भी नहीं है, मतलब नहीं। आराम से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक जनता को? नहीं, कोई चिंता नहीं। तो यू नो इन सब चीज़ों के बारे में भी अगर अथॉरिटीज सोचें, तो एवरीबॉडी इस एज में भी ये काम कर रहे हैं और अपना मतलब कि घर का और अपना फैमिली का पूरा खर्चा उठा रहे हैं। So if you want people to, you know, live on their own and help each other also, तो थोड़ा तो सोचना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए भी। तो अंकल क्या बोलना चाहोगे आज की जनरेशन को, अगर आपको मौका मिले ना एक मैसेज आपको आज की जनता को नहीं यंगस्टर्स को देना है, क्या बोलोगे? मैं यही बोलूँगा कि काम करो, अपना मेहनत करो, मेहनत बगैर कुछ है नहीं, जब काम करोगे तो दो रोटी मिलनी है, नहीं काम करोगे रोटी कितनी मिलनी। बात बिल्कुल सही है, हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है और हार्डवर्क के साथ पेशेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। 64 साल की उम्र होगी मेरी। 64 साल? हाँ जी। तो आपने कई बार ना लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, तो उनसे कैसे मतलब कि बहुत कुछ आया दुनिया अपने सही उम्र के हिसाब के साथ बहुत कुछ आया, ऊँचा नहीं मैं बतरा होया, कोई ऐसी बात नहीं। कभी कभार तो हौसला टूट जाता है, वो सब टूट जाता है, तो क्या करें, वो सब टूट जाए तो वो सब बनाना पड़ता है अपने आप को, खुद ही समझाते हैं अपने आप को, आप समझाते हैं। और वाहेगुरु का साथ है, वाहेगुरु परमात्मा का साथ है जी। तो एक मैसेज जो मैं भी यहाँ से सीख के जा रही हूँ वो यही है कि मतलब हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एंड यू ऑलवेज हैव टू स्टैंड अप अगेन एंड मूव फॉरवर्ड अहेड। सो अगर आप लोगों को अमेजिंग सी इनके चने, कुलचे चावल, पिज्जा कुलचा और बहुत सारी चीज़ें इनके पास, तो वो सब ट्राई करनी है, तो मट्ठी चना
तो मट्ठी जना भी है, तो अगर वो सब चीज़ें ट्राई करनी है तो सेक्टर 23 इनर मार्केट ज़रूर आना, 11:30 से लेके 4 बजे तक होते हैं यहाँ पे अंकल, तो आके हमें भी बताना कि आपको कैसा लगा, तो आना ज़रूर यहाँ पे, फिर बताना। एंड अब जाते जाते सब्सक्राइब कर जाओ और बाकी वीडियोस भी देख लेना, और मुझे नई जगहें बताओ सो दैट हम आपको और जगहें दिखा सकें और आप ऐसे ही अमेजिंग लोगों से मिल भी सको और उनके इतनी इतनी ऑसम डिशेज़ को ट्राई भी कर सको। थैंक यू।